रबजी लाइव के पॉडकास्ट सेक्शन में आज हम लोग कुछ विशेष बातें करने जा रहे हैं। विशेष इसलिए कि लगातार देश में जाति को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है और ये मुद्दा गाहे बगाहे अक्सर उठ रहा है। कुछ विशेष लोगों को, कुछ जाति विशेष लोगों का ये कहना है कि उनका हक अधिकार की बात एक पार्टी या एक गठबंधन कर रही है, इसीलिए जातीय गणना भी शुरू हुई है। इस जातीय गणना के शुरू होने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। राहुल गांधी का वो ट्वीट जो आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 85% जो है वो जनसंख्या है एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी की, तो अब उनके हक और अधिकार की भी बात होनी चाहिए। मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, जानकारी के लिए जोड़ देना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं हो पाया था। तो राहुल गांधी भी इस बात को स्पष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किन कारणों से वो जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक नहीं हो पाई। अब इससे इतर आते हैं दूसरे बात। सबसे पहले हम रूबरू होते हैं अपने मेहमान से जो अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री संजीव सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग इनसे बात करेंगे और ख़ास करके इस पॉडकास्ट का मेन जो हम लोग का थीम है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं, उनके बारे में उनका जीवन परिचय जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रही, उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, फिर आज तक यहाँ तक पहुँचने तक उन्होंने किस किस रूप में अपने जीवन को जिया है, ताकि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक उनसे इंस्पायर भी हो सके, उनके जीवन के बारे में जान सके और कुछ जो सीखने का मौका मिल सकता है वो आपको ज़रूर मिले। तो सर, सबसे पहले पहला ही सवाल ये है कि लगातार जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही है और उसमें मनोज झा का एक बयान आता है जिसमें वो ठाकुर का कुआं, जो वाल्मीकि जी का कविता थी, उनको पढ़ा, एक बात लगातार उठ रहा है गाय बगा है कि जब ये महिला आरक्षण को लेके ये बिल था तो इसमें इस कविता को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये ना राजद वाले समझा पा रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन समझा पा रही थी कि ये आखिर ये क्या कारण है। अगर आप समझा पाए, आप कुछ उस पर रोशनी डाल पाए तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। प्रकृति का एक नियम है पीयूष जी, और ये मानवीय जीवन में भी उसी नियम को लोगों ने अख्तियार भी किया है कि जब आप शक्ति से किसी चीज़ को पराजित नहीं कर सकते हैं तब आप साजिश का इस्तेमाल करना शुरू करो। प्रकृति ने शेर भी बनाया है जंगल में, संख्या कम है, ये मैंने नहीं बनाया है, प्रकृति ने ही हाथी बनाया है, उसकी भी संख्या सियार से, गीदर से, ठीक है, और कुत्तों से बहुत कम है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने बनाया है। अब प्रकृति अपने आप को संतुलित करने का एक नियम भी बनाई हुई है जिसके तहत आज तक वन्य जीवों का भी जीवन व्यवस्था चल रहा है और सामाजिक दुनिया में भी सभी मानव के रूप में ही आए हैं। दो हाथ दो पैर वाले लोग हैं, दो आँख वाले ही लोग हैं, दो कान वाले ही लोग हैं, लेकिन सभी का डीएनए अलग अलग है भाई साहब। डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर है, मैटर है। पूरी दुनिया में डीएनए का जांच करने का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट सिडनी में है और उसने सर्वेक्षण भी करवाया था। पूरी दुनिया के अलग अलग जात सामाजिक जाति और लोगों के बीच जाके उसने एक सर्वेक्षण करवाया था, भारत में भी सर्वेक्षण करवाया है और उसमें सवर्णों के भी डीएनए का सर्वेक्षण हुआ है। वो भी रिपोर्ट मेरा नहीं है, वो सिडनी का रिपोर्ट है। आपको विशेष बुद्धि क्यों चली जाती है? जन्म होने के बाद आप स्वतः अपने अलावा परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले कैसे हो जाते हैं? सर, एक काउंटर क्वेश्चन था इसमें ताकि हमारे दर्शक इस बात को समझें। जी, अक्सर ये बात होती है जैसे अगड़ी पिछड़ी की ये लड़ाई जो होती है, जिसमें कि अगर हम अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, ब्लैक वर्सेस वाइट हुआ है कि जो वाइट होते हैं वो उनका रेस अच्छा होता है, वो सुपीरियर होते हैं, वो सोच के अच्छे व्यक्ति होते हैं,
इससे सर एक समाज में लगातार डिवाइड पैदा होता है, जिनमें कुछ जो लोग होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि शायद हम उनसे कम्पीट ना कर पाए, या मेरा जो है सामाजिक रूप से शोषण हो रहा है, हम भी ये काम को कर सकते हैं। मैं आता हूँ अपने प्रश्न पे सर। और भारत में भी अक्सर ये बातें होती है कि कुछ एक समाज है, एक वर्ग है जो लगातार ये बात कहता है और बढ़ावा देता है इस हवा को कि हमारा जो DNA है वो बाकियों से बेहतर है और हम ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इससे एक जाति विशेष, एक जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा अपमानित महसूस करते हैं कि मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है। अगर नहीं भी है, 1% अगर मान भी लेते हैं, तो ये हमें एहसास भी क्यों कराया जाए, हम मेहनत करके उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बहस करनी चाहिए? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल भी उठाया है। इसको समझने की चीज़ें हैं, हम किसी जाति वर्ग और मजहब के खिलाफ नहीं है जी। मैं सच्चाई को रख रहा हूँ पीयूष जी, इसको समझना होगा। भारत में भी आज़ादी 1947 में जो मिला 15 अगस्त को, उसके बाद संविधान सभा की गठन की रचना की गई और संविधान 1950 को लागू भी हो गया 26 जनवरी को। तो संविधान में विशेष प्रावधान, विशेष सुविधा, विशेष कानून, बजट का विशेष हिस्सेदारी केवल हमको छोड़ के, यानी हम सवर्णों को छोड़ के बाकी अन्य जातियों को धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, जो आज व्यापक रूप ले लिया है। शिक्षा में उनके लिए छात्रवृत्ति है मनोज जी, सभी विद्यालयों में, केंद्र की भी योजनाओं में और राज्य की भी योजनाओं में सवर्ण छात्रवृत्ति नहीं है। विद्यालय में भले वो विद्यालय सवर्णों के पूर्वजों के जमीन पे, जो उन्होंने दान स्वरूप दिया था सरकार को कि आप विद्यालय बनाओ ताकि यहाँ पे शिक्षा और संस्कार फैले बने, उसी विद्यालय में बाकी सभी जाति वर्ग के लोगों के बच्चों को सवर्ण छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन अपने ही पूर्वज के दिए गए जमीन पे जो विद्यालय है उसी में उसका जो वंश का बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए छात्रवृत्ति नहीं है। 1947 की सर आपने बात की, उस समय अगर मैं करेक्ट हूँ, ठीक है, तो जो सवर्णों की जो आमदनी थी, जो उनकी हिस्सेदारी थी समाज के GDP पे खास करके, वो एक अच्छी स्थिति में थे। और जब जिन दलित या महादलित या OBC/EBC समुदाय के जो लोग थे उनकी भागीदारी उतनी नहीं थी। सरकार की ये कोशिश थी कि उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो पाए। दूसरी बात, अनटचेबिलिटी का जो चीज़ें थी जिससे कि छुआछूत अक्सर करते और हमारे समाज में था, इसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए और उससे हम लोग ओवरकम भी किए हैं। इस पे हम लोग को अपनी पीठ भी थपथपानी चाहिए कि 50 से 70 साल 75 साल में हम छुआछूत को बहुत हद तक ख़त्म करने के प्रोसेस में हुए और उसमें आरक्षण ने एक अच्छा रोल भी अदा किया है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जब पहुँचे, एक अधिकारी बने, वहाँ पर जाने के बाद जब आपको काम कराना है तो उस अधिकारी से आपको मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठ के खाना खाना पड़ेगा। और इस तरीके से हुआ कि अनटचेबिलिटी कुछ कम होती गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 47 में उस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन वो 70 साल तक कंटिन्यू होते होते कुछ क्रीमी लेयर ऊपर आए और लगातार वही लोग उस आरक्षण का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। और उसमें भी जो EBC/OBC या SC/ST वर्ग से जो लोग आते हैं, वो जो गरीब लोग हैं उस वर्ग में भी, उसका फ़ायदा उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आपने जो सवाल उठाया है ना, मैं इसको पूरे तौर से जवाब देना चाहता हूँ। इतिहास भी उलट के देख लीजिए, सम्राट अशोक का बहुत लंबा कालखंड रहा है और मगध सम्राट के तहत ही जो जगह रही है उसके एक राजधानी के दायरे में हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो कुशवाहा एक आदरणीय समाज है, बड़े गर्व के साथ वो जन्म जयंती भी मनाते हैं अशोक जी का, सम्राट अशोक जी का। तो सम्राट अशोक जब कुशवाहा वंश के थे, और हमारा और कुशवाहा वंश में संबंध रहा है जिसकी चर्चा मैं करूंगा आज, लेकिन कुशवाहा हमारे से ही अलग होके एक अलग स्वरूप में है, जातीय स्वरूप में है, ठीक है। तो उनके अग्रज पूर्वज के रूप में सम्राट अशोक रहे हैं, उनका कालखंड रहा है, अशोक सम्राट के वंशजों का कालखंड रहा है, गुप्त काल रहा है। अस्तबल में जो घोड़ा वगैरह जो रखने और उसका व्यापार करने का काम करते थे, उस वंश के गुप्त लोग जो थे उस दौर के, वो राजा बने, फिर उनका वंश रहा है, कालखंड उनका चला है भारत पे शासन में। मोर पालने वाले जाति से चंद्रगुप्त है,
ठीक है, उसको अचानक उठाकर लाए और बल देके, मानसिक बल देके, बौद्धिक बल देके, नैतिक बल देके, ठीक है, दूरदर्शिता देके उनको शासक के रूप में खड़ा किया। फिर उनका भी शासन चला है, वो भी आज के अनुसार वो भी ओबीसी में थे, बीसी ओबीसी वाले लोग थे। मेरी बात को समझ के चलिए, ठीक है। तो हम लोग तो उस दौर में भी थे ना, उससे पहले भी हम लोग थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनको कभी अलग नहीं किया, कभी छाटा नहीं है। आज़ाद भारत के बाद पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ों का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक का अलग अलग बजट बनता है, केंद्र में भी अलग, राज्यों में भी अलग, ठीक है। सवर्ण बजट नहीं है भाई साहब, एक नया पैसा, एक कोई गोली खाने के लिए कि खा लेगा तो गैस भाग जाएगी अंदर से, उसका एक नया पैसा, ठीक है, जवाहरलाल जी से लेकर मोदी जी तक ने हमारे और हमारे गरीब, गरीबी को मिटाने के नाम पे आवंटित नहीं किया है, ठीक है। हम लोग पढ़ते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख महासंघ तक, उन लोगों को आज तक अलग से मिल चुका है सब मिलाकर, ठीक है। फिर भी उनका अगर पूरा विकास नहीं हुआ तो उसमें दोषी हम नहीं है, उसमें दोषी हम लोग नहीं है, ठीक है। उनको सब कुछ मिलता है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति अलग, अति पिछड़ों की छात्रवृत्ति अलग, ठीक है, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति अलग जी, उनका छात्रावास अलग है, अनुसूचित जाति का अलग छात्रावास है जिसको लोग हरिजन हॉस्टल भी बोलते हैं, लेकिन विधवा तो अनुसूचित जाति छात्रावास है, अल्पसंख्यक छात्रावास है, 3-3 करोड़ रुपए का छात्रावास, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आवासीय विद्यालय है, यानी कि छात्रवृत्ति है, छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, शिक्षा प्रोत्साहन राशि की योजनाएं हैं, हायर एजुकेशन आप पढ़ो तो सरकार पैसे देती हो, हॉस्टल में रह के खाने पीने का पैसा भी गवर्नमेंट उसको देती है, ठीक है। उसके लिए स्वरोजगार के लिए वित्त निगम है, अल्पसंख्यक वित्त निगम, आप जाइए, आप शिक्षित बेरोजगार हैं, आप वहाँ अप्लाई कीजिए, उस दायरे के लोग हैं तो आपको वहाँ लोन मिलेगा, आप स्वरोजगार करेंगे लोन मिलेगा। अनुसूचित जाति का ये है, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम है, सवर्ण वित्त निगम नहीं है भाई साहब, नहीं है ना, हमारे देश में नहीं है, न केंद्र चलाती है न राज्य चलाती है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग अपने पूर्वज के बच्चे बचाए हुए जो जमीन है उसको बेच बेच के बच्चे को पढ़ाने की प्रवृत्ति आज भी पाले हुए हैं और पढ़ाते हैं। शहर में उनके लिए छात्रावास नहीं है, सरकारी तौर से सवर्ण छात्रावास नहीं है, इस चीज को मान के आप चलिए, खोज लीजिए, देख लीजिए, देश में है ही नहीं। जमीन बेच के, कर्ज लेके बच्चे को शहर में किसी लॉज में रख के पढ़ाने वाला जो समुदाय है और राष्ट्र के लिए जीने और मरने वाला समुदाय है वो सवर्ण है। जब बच्चा पढ़ भी गया, डिग्री ले भी लिया, और डिग्री देने वाली यही सरकार है, इसी की योजनाओं के तहत, चाहे एनसीईआरटी की योजना हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे उससे उसके ऊपर का जो हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसके तहत के जो कॉलेजेज है वहाँ बहुत पैसा खर्चा करके, तन मन धन जन लगा के, रात दिन शैक्षणिक तपस्या करके, अगर वहाँ से भी जो डिग्री लेके आते हैं तो उसको सरकार कहती हो जनरल है, छोड़ दो, इसके लिए जगह नहीं है। नहीं तो अभी तो जैसे कह रहे कि सरकार ने 10% मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ, 22 साल से लड़ रहे हैं, 22 साल से अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा लड़ रहा है, 1-2 वर्षों से नहीं लड़ रहा है, और इस देश का पहला पागल लीडर है हम जिसने कहा कि सवर्णों को भी आरक्षण चाहिए या पूरे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करो, जो होने के चांस बहुत कम थे, ठीक है। और आप यकीन नहीं करिएगा कि पूरे देश में हमारे भाषण, हमारे संभाषण, हमारे डिमांड पे सबसे ज्यादा गाली हमको सवर्णों ने ही दिया है, तो कहा ये पागल आदमी है, इनको समझ नहीं है, हमको जाति आरक्षण को खत्म करना है, 60 साल या 55 साल तक बहुत प्रयास किया इस समाज ने कि जाति आरक्षण खत्म हो। मेरी समझ थी कि ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हो, बीसी ओबीसी दलितों अल्पसंख्यकों के साथ जो सिंह मिश्रा ठाकुर चौधरी उपाध्याय पांडे त्रिवेदी, ठीक है, कर्ण श्रीवास्तव जैसे जितने भी टाइटिलवादी जो जनरल क्लास के लोग हैं, सवर्ण है, वो भी उस आरक्षण को बढ़ाने के हिमायती रहे हैं, पार्टी चाहे जो भी हो,
कांग्रेस हो, वामपंथी हो, जहरीले जातिवादी सोच का समाजवादी कोई भी धारा हो, उसमें जो कोई भी रहा यही काम को किया है। मेरे लिए तो आज तक लोकसभा में खड़ा होके बोलने वाला कि देश में सवर्ण भी गरीब है, लाचार है, बेरोजगार है, फटेहाल है, आवासहीन है, भूमिहीन है और उस शिक्षाविहीन है, बोलने वाला कोई एक मर्द का चेहरा, कोई एक लक्ष्मीबाई राजनीतिक रूप से नहीं है भाई साहब, है ही नहीं। न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में, छोड़िए किसी भी राजनीतिक दल के मंच पर, जो उसका राष्ट्रीय सेमिनार होता हो या राष्ट्रीय अधिवेशन होता हो या छोड़िए प्रांतीय अधिवेशन होता हो, वहां खड़ा होकर कहे अपने पार्टी के मंच पे कि मैं आपके लिए तन मन धन जन, मैं तो यहां तक जानता हूं कि कार्यकर्ता लोग गन का भी इंतजाम करते हैं अपनी पार्टियों के लिए, वो भी लगाते हैं कि मेरी पार्टी जीते, और उसी पार्टी के द्वारा जिसका वो जिंदाबाद करते हैं वहां वो जानते हैं कि पार्टी मेरा ही जीवन उजाड़ने के लिए कानून बना रही है, आवाज नहीं उठाते भाई साहब, ऐसे वीर लोग नहीं है। आज आपके साथ, आपके बीच देश में अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा है और 21 साल से काम कर रहा है, लगातार लड़ रहा है, और इस देश में कानून में, योजनाओं में और बजट में हम बराबर की हिस्सेदारी की मांग करते हैं। हमको एक नया पैसा कम मत दो, हमको एक नया ज्यादा भी नहीं दो, हमारी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारे विकास के लिए योजनाएं जो बननी चाहिए जो आज तक बनी नहीं, ठीक है। अभी तो जातीय गणना हो गई है बिहार में, अब जितना परसेंट आपका होगा उसी हिसाब से बता। नहीं, मैं आ रहा हूँ जगह पे, हमको बैकलॉग भी चाहिए, बैकलॉग। हम पहले से जो गरीब है सो, पहले से जो बेरोजगार है सो, पहले से जो भूमिहीन है सो, उस सब के बारे में जोड़ के बजट का हिस्सा देने की बात भी करूं। ऐसा क्या कि आज से जोड़ लिए और कल से देंगे? हमारा जो 60 साल तक हमको जो आपने साजा दिया, सताया, राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से जो मेरा शोषण हुआ है, उसका भी निदान निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी तो ये फ्रॉड जातीय जनगणना है, जातीय जनगणना का महाघोटाला हुआ है बिहार में, जानबूझ करके हमारी आबादी को आधे से भी कम की गई है, ठीक है। इस पे तो सीबीआई की जांच करवाने की जरूरत है। जागना चाहिए प्रधानमंत्री को, जागना चाहिए गृह मंत्री को, और जागना चाहिए हमारे वोट को लेने वाले भारतीय जनता पार्टी को। इसको रोके और इस पे या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में एक बड़ी कमेटी बना के इसका दूध से दूध और पानी से पानी, यानी कि इसका पूरे तौर से जांच हो, या फिर सीबीआई की जांच हो, सत्यता की जांच हो। यहां तो जानबूझ करके जातीय, जो सरकारी जातीय जो पार्टी, जो जाति है उसकी पार्टी चूंकि सत्ता में रही है, सत्ताधारी पार्टी की जो जाति है उसका संख्या बढ़ गया, उसके जो समर्थक लोग हैं उनका संख्या बढ़ा दिया गया, और कल तक जो सत्ता के समर्थक जाति एक रही है, दो समर्थक जाति रही है, आज चूंकि सत्ता में नहीं है तो कुशवाहा का संख्या कम कर दो। सवर्णों का तो कम करने पे सब लगे हुए थे, अरे कुशवाहा का भी कम कर दो, बैस का भी कम कर दो। ये कूटनीतिक, क्षुद्र नीतिक, रणनीतिक गठजोड़ वाली साजिश के तहत का ये जातीय जनगणना है, और जिसमें हम सबके साथ खिलवाड़ हुआ है, ये कतई स्वीकारनीय नहीं है। जांच हुआ ही नहीं, मेरे घर पे गया ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के घर पे गया ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपके घर में कितने सदस्य, कितने पढ़े लिखे लोग, कितना जमीन, कितना जायदाद, कौन सी जाति, कितना उम्र, कोई जानकारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, ना आपके घर पे गया, ना पूछा, ना सिग्नेचर कराया, और सीधे बैठ के 10 दिनों में जातीय जनगणना कंप्लीट। 10 दिनों में आपकी बाकी योजना क्यों नहीं जनता तक पहुंच पाती है? अब तो 5-5 साल रहते तो आपकी योजना का कोई अता पता नहीं चलता है, और 10 दिन में पूरा घर घर की जनगणना हो जाएगी।